सब कुछ करने के बाद भी जो मुंह चोर बन जाए वो है चीन। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा है। भारत कई बार चीन को चेतावनी दे चुका है, बावजूद इसके चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बीच चीन ने सफाई दी है और सबसे बड़ा झूठ बोलते हुए कहा कि एलएसी पर स्थिति सामान्य है। भारत में चीनी राजदूत सन वेई डोंग ने कहा कि चीन भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसार सीमा पर सभी गतिविधियों का संचालन करता है। मुझे किसी भी तरह की सैन्य और हवाई गतिविधियों की कोई विशेष जानकारी नहीं है। सीमा पर स्थिति फिलहाल स्थिर है। चीन भारतीय छात्रों का स्वागत करता है। चीन में पढ़ाई शुरू करने वाले भारतीय छात्रों का पहला बैच निकट भविष्य में बीजिंग पहुंचेगा। दोनों देशों के संबंधित विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। अब भाई चीन को ये सफाई क्यों देनी पड़ी ये जान लेते हैं। दरअसल पिछले दिनों चीन के लड़ाकू विमान भारत की सीमा के काफी नजदीक आ गए थे, जिसको लेकर भारत ने पूर्वी लद्दाख में सीमा के पास लड़ाकू विमान उड़ाने को लेकर चीन को सख्त चेतावनी दी थी। भारत ने चीन को अपने लड़ाकू विमान को लद्दाख सीमा से दूर रखने के लिए कहा था, तो वहीं कल ही भारतीय विदेश मंत्री ने दुश्मनों को कूटनीति का वो पाठ पढ़ाया जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। खास तौर से चीन को लेकर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री ने बातें बोली जिससे चीन की नींद हराम हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत लगातार अपने इस रुख पर कायम है कि अगर चीन ने सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग की तो इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा। कमांडर स्तर पर हमारी 15 दौर की बातचीत हुई है। दोनों पक्षों के उन स्थानों से पीछे हटने के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जहां वे बहुत करीब हैं। अभी भी कुछ जगह हैं जहां वे पीछे नहीं हटे हैं। हालांकि हम लगातार इस रुख पर कायम हैं कि अगर चीन सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग करता है तो इसका संबंधों पर असर पड़ेगा। मैंने 2020 और 2021 में कहा है और 2022 में भी कह रहा हूँ कि हमारे संबंध सामान्य नहीं है। यदि सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं है तो यह संबंध सामान्य नहीं रह सकते, और सीमा की स्थिति अभी सामान्य नहीं है। सीमा की स्थिति एक बड़ी समस्या बनी हुई है क्योंकि सेना पिछली दो सर्दियों से वहाँ डटी हुई है। यह बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। जयशंकर के बयान से पहले एलएसी पर चल रहे भारत चीन तनाव को लेकर चीन ने बड़ा बयान देकर तहलका मचा दिया था। दरअसल चीनी सेना ने कहा था कि भारत के साथ हाल में हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत में चार बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिनमें दोनों देशों के बीच के संबंधों को सुधारने के साथ साथ आपसी मतभेदों को दूर करने के प्रभावी तरीके और देशों की सीमाओं पर स्थिरता और शांति बनाए रखना शामिल है। खैर, भारत ने चीन को कई बार समझाया कि जितनी जल्दी हो सके एलएसी मसले पर समाधान निकाल लिया जाए, और ये भी समझा दिया कि भारत उससे चार कदम आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।